तो व्हाट्स अप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फुल HD फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट करना सीख जाएगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो के एंड में आपका भाई 1 क्लिक में भी फोटो को एडिट करना बताया है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा। और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सो व्हाट्स अप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना। तो गाइस इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले, और आपका भाई एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो के एंड में 1 क्लिक में भी फोटो एडिटिंग सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे, और कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। और कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% कर लेंगे। इसकी हाईलाइट की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 28% कर लेंगे। और ऐसे नीचे आके इसकी ब्लैक्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके ना -30% कर लेंगे। और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 21% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही ना आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो एक एक स्टेप आप अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, नहीं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो गाइस पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, इस फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन से टोन को क्रिएट करने वाले। वो कैसे किया जाता है आगे आपका भाई बताने वाला है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल से क्या करेंगे ना, कलर्स के आइकन पे क्लिक करेंगे, और कलर्स के आइकन पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से अगर सेटिंग को कर लेते हैं तो आपका आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 42% कर लेंगे। टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 28%, टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके ना -23% कर लेंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप लोगों को कर लेने के बाद ना सिंपल से ऊपर साइड में कोने में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा, और मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने अगेन कुछ इस टाइप की कलर शो हो जाएंगी। और इन्हीं कलर का ना यूज करके हम लोग टोन को क्रिएट करने वाले। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, और कर लेने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100, सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -24%, इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -26। देन दोस्तों ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी क्या करेंगे डिक्रीज करके ना -100, और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -29% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस सिंपल से आप लोग को येलो कलर को सिलेक्ट करना होगा, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, और ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -28। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से टोन में आ जाएगी। तो आप लोगों को सिंपल से कुछ भी नहीं करना होगा, अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट करना होगा जो कि हम लोग का ऑरेंज कलर है। और कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू आप लोगों को ऐसे डिक्रीज करके -25% कर लेना होगा, ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके 17%। देन दोस्तों इसके बाद आप लोगों को ना रेड कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 24%, और सिंपल से हम लोग डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो गाइज हम लोग अपनी फोटो के अंदर ना कलर को नहीं ऐड किया है, यानी कि कलर ग्रेडिंग नहीं किए हैं, वो आपका भाई बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो के एंड में 1 क्लिक में भी फोटो को एडिट करना बता देगा आपका भाई। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे का शैडो, मिड टोन, हाईलाइट। तो हम लोग हाईलाइट में आके और इसकी ह्यू और सिचुएशन को मिलाएंगे। तो मैं अपनी फिंगर से ऐसे पकड़ के खींच के थोड़ा सा यहाँ पे ना इक्वा ब्लू साइड में कर देता हूँ, और नीचे आके इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ऐसे इंक्रीज कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसे 74% कर लेता हूँ इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू, और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम ऐसे डिक्रीज करके ना -36%, और इसकी बैलेंस जो होता है ना
इसे मैं ऐसे डिक्रीज करके थोड़ा सा इसे मैं -29% करके और सिंपल से मैं यहाँ से ग्लोबल वाले में आ जाऊँगा और आने के बाद मैं अपने फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे ना ब्लू साइड में कर दूंगा बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे, और कर लेने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू मैं 229 रखा और सेचुएशन को 23 और सिंपल से मैं डन क्लिक कर दूंगा और डन क्लिक करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इतना सारा काम कर लेने के बाद ना हम लोग की पूरी फोटो तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी, लेकिन गाइस तीसरे स्टेप के बिना ये फोटो काफी ज्यादा फीका लग रहा है। तो वो तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, हम लोग सिंपल से साइड में स्क्रॉल करके इफेक्ट के आइकन पे चले आएंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 13%, क्लियरिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 12%, डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके 10%। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ना इसकी विंगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -37 कर लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके 35 कर लेंगे और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इतना सारा काम कर लेने के बाद हम लोगों का पूरा फोटो तो एडिट हो चुका है, लेकिन गाइस इस फोटो के अंदर डिटेल्स अभी हम लोगों ने नहीं डाला है, तो उसको कैसे डालना आगे आपका भाई बता देगा और वन क्लिक में कैसे फोटो को एडिट करना ये भी आपका भाई बताने वाला है। तो डिटेल्स के आइकन पे आके शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 30% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 35%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 20% और कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 27% और स्मूथनेस आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, मैं यहाँ पे 75% कर लेता हूँ और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल्टू वाला आपकी कंप्लीट फोटो एडिटिंग हो जाएगी। तो गाइस अगर आप वन क्लिक में फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीसेट का लिंक दे दिया है, तो प्रीसेट को आप लोग इजीली डाउनलोड करके वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो प्रीसेट को जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फोटो को फुल एचडी में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।